ही मई का महीना आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, मई आ जाएगा, और मई में भाई साहब स्मार्टफोन की बाढ़ लगने वाली है। मतलब इतने सारे फ़ोन, देखो ये पूरी लिस्ट आगे से भर गई है, पूरी लिस्ट पीछे से भर गई है, मतलब इतने इतने ख़तरनाक अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, और क्या बोले, मतलब मज़े आने वाले हैं मई के महीने के अंदर। तो काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। हर वीडियो में अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड देते हैं, तो अगर आपको उसको जीतना है तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी ही आने वाला है। पंजे ने पता है कि उसको कैसे रिडीम करते हैं, जैसे ही स्क्रीन पे फ्लैश होगा आप उसको फटाफट से जाकर रिडीम कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। सबसे पहले देख लीजिए इंट्रोज, के बाद हम बात करते हैं एक के बाद एक कौन कौन से नए नए स्मार्टफोन आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना टाइम गवाए आपके और हमारे चहेते वन प्लस के बारे में। तो भाई साहब वन प्लस के दो स्मार्टफोन आने वाले हैं, वन प्लस 7 सीरीज, एक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर आपको वन प्लस का 7 देखने को मिलेगा और 7 प्रो देखने को मिलेगा। वो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, तो 7 जो प्रो होगा और जो 7 होगा दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन का 855 देखने को मिलेगा, पर जो 7 प्रो होगा वो पॉप आउट सेल्फी वाली पॉप आउट कैमरे के साथ आपको देखने को मिलेगा। 2K वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी 90Hz के ऊपर, तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। अब देखते हैं क्या प्राइस पे लॉन्च करते हैं, क्योंकि जो एक्सेप्टेड प्राइस बताई जा रही है नोट 7 सॉरी वन प्लस 7 प्रो की, वो बताई जा रही है कि 48,000 रुपये से स्टार्ट होगा। पर वो देखना पड़ेगा क्योंकि 14 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है बेंगलुरु में, 8 बजे से शायद इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 मई को आप भी स्टे ट्यून्ड रहना, हम भी स्टे ट्यून्ड रहेंगे, देखते हैं वन प्लस क्या तीर मार के बताता है, जो कि मारने ही वाला है क्योंकि साल में वो बेचारा 2 या 3 फ़ोन लॉन्च करता है। उसके बाद बात करते हैं, तो भाई साहब नया नया फ़ोन है आ रहा है, पन बात कर लेते हैं तो वो है ब्लैक शार्क 2 के बारे में। तो भाई साहब ब्लैक शार्क 2 बताया जा रहा है कि अब की बार इंडिया में आ सकता है। ब्लैक शार्क 1 आया था पर वो इंडिया में नहीं आया था, ब्लैक शार्क 2 भी चाइना में लॉन्च हुआ है, अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं। तो देखो भाई साहब बोल रहे हैं इंडिया में शायद आएगा, वो शाओमी के ऊपर है आएगा नहीं आएगा, अगर आया तो मई एंड तक आएगा वरना जून में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक शार्क 2, जो कि गेमिंग फ़ोन है जिसके आपको 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, तो भाई साहब वन प्लस को हर बार टक्कर देने के लिए एसुस अपना एक नया फ़ोन लेके आता है, जैसे गई साल आपने देखा होगा एसुस का जेनफोन 5Z था, एक काफ़ी बेहतरीन फ़ोन था जो वन प्लस 6 को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रहा था, वैसे ही अब कुछ एसुस जेनफोन 6Z भी आने वाला है और एसुस जेनफोन 6 भी आने वाला है, पर ये वेलेंसिया में लॉन्च होने वाला है 16 मई को। तो देखो भाई साहब स्नैपड्रैगन 855 तो मिलेगा, और जो इनका एक प्राइमरी कैमरा होगा, डुअल कैमरा आवे ट्रिपल कैमरा आवे वो अपन को पता नहीं, पर जो एक प्राइमरी कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा। तो भाई साहब 48 मेगापिक्सल अभी काफ़ी फेमस हो रहा, तो 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 के साथ। प्राइसिंग भाई साहब मैटर करती है, क्योंकि 5G काफ़ी किलर फ़ोन था, अभी भी काफ़ी किलर फ़ोन है, अगर कोई वन प्लस 6 खरीदने जा रहा था वो एक बार कंसिडर कर सकता है आसुस जेनफोन 5Z को। तो देखते हैं भाई साहब क्या प्राइस में लॉन्च करता है और इंडिया में कब लॉन्च करता है, क्योंकि अभी तो वेलेंसिया में लॉन्च हो रहा है 16 मई को। उसके बाद बात करते हैं, तो भाई साहब जिसके हम ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो कि था ओप्पो रेनो की भी सीरीज आने वाली है, जिसमें आपको ओप्पो रेनो एक एज अ फ्लैगशिप फ़ोन देखने को मिलने वाला है, ओप्पो रेनो लाइट देखने को मिलने वाला है। तो अब इंडिया में कौन सा आता है, स्नैपड्रैगन 855 वाला आता है या 710 वाला आता है, 10x जूम वाला आता है, कौन सा आता है वो देखना होगा। पर इंडिया में मई में लॉन्च होने वाला है ओप्पो रेनो का जो सीरीज़ है वो इंडिया में मई में लॉन्च होगा। अब कौन सा स्मार्टफोन ओप्पो पहले लेके आता है वो देखना होगा, पर मिड मई में बताया जा रहा है कि शायद तक ओप्पो का जो रेनो फ़ोन है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, तो भाई साहब बात आती है वॉर्नर की। ऑनर काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च करने वाला है, काफ़ी मतलब बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करने वाला है। फिलहाल तो अभी वो पेरिस लंदन में करने वाला है, देखते हैं इंडिया में कब करेगा। तो 21 मई को लॉन्च होने वाला है और ऑनर की 20 सीरीज आने वाली है, तो ऑनर 20, ऑनर 20 प्रो, ऑनर 20 लाइट, ऑनर 20 UI, ऑनर 20 i, भाई साहब बहुत सारे फ़ोन आने वाले हैं ऑनर के। तो देखते हैं इंडिया में जब आएगा, जब हम बात करते हैं, पर मई में लॉन्च होने वाला है, ये हमने आपको एक छोटी सी हिंट दे दी है। उसके बाद बात करते हैं भाई साहब, अब जो झगड़ा चल रहा था शाओमी और रियलमी का, तो रियलमी ने लॉन्च किया था अभी हाल फिलहाल रियलमी 3 प्रो, पर भाई साहब थकता ही नहीं है फ़ोन लॉन्च कर करके, अभी मई में वापस लॉन्च करने जा रहे हैं अपना रियलमी का U2, सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है। देखते हैं भाई साहब अब कितने 32 मेगापिक्सल का मेरे ख्याल से फ्रंट में कैमरा आएगा और वो कॉम्पीट करेगा शाओमी के रेडमी वाई सीरीज के Y3 के साथ। तो देखते हो अभी कब लॉन्च होता है, मेरे ख्याल से 26, 27, 28 उनका एक ऐसे मतलब रहता है वो डेट फिक्स, तो वही डेट पर से देखो कि इसी डेट को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं वो अपना एक नया फ़ोन।
इसके बाद बात करते हैं तो भाई साहब नोबिया का भी एक फ़ोन आने वाला है, नोबिया रेड मैजिक 3। रेड मैजिक 2 भी इंडिया में आया था पर वो इतना चला नहीं, रेड मैजिक 3 आने वाला है स्नैपड्रैगन 855 के साथ, आपको देखने को मिलेगा फिजिकल कूलिंग, आपको कुछ ऐसा फंक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई साहब देखते प्राइस क्या होती है, क्योंकि नया नया कंपनी है, लोग पहली बार सुन रहे हैं तो प्राइस ही मैटर करेगा और मिड मई में शायद ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। उसके बाद बात करते तो आपके और हमारे चहेते रेडमी का जो MI सीरीज़ का जो है एंड्रॉयड सीरीज़ का जो फ़ोन है एंड्रॉयड 1 का रेडमी का, तो वो लॉन्च होने वाला है रेडमी का मी 8। पर अगर बात करें रेडमी मी 8 की तो उसमें वो लोग ने हेडफोन डिच कर दिया था, उसके अंदर स्क्रीन उतना अच्छा नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम थी, स्लिम स्लॉट नहीं था। तो अब की बार देखते हैं कि रेडमी मी 8 जो कि आता है एंड्रॉयड 1 के साथ कैसे लेके आता है। शायद वो माइक्रो USB आपको नहीं टाइप से ही देखने को मिलेगा, पर शायद वो आपको 3.5 mm जैक दे देवे नहीं देवे वो देखने वाली बात होगी। स्क्रीन आपको यू नॉच वाली देखने को मिलने वाली, जो आपको सेम रेडमी नोट 7 प्रो में देखने को मिली थी वैसी ही सेम स्क्रीन आपको रेडमी मी 8 में भी देखने को मिलेगी। टाइप सी आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 1 आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट वर्जन के साथ। तो देखते हैं भाई साहब, और स्नैपड्रैगन का 730 भाई साहब ये तो मेन चीज़ है, ये भूल कैसे गया मैं, स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले। और शाओमी के जो ट्विटर हैंडल है मनु कुमार जैन, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि भाई साहब 2 हफ्ते पहले जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था उसके साथ एक नया फ़ोन आने वाला है और गूगल के कुछ लोग बैठे हैं साथ में। तो देखते हैं भाई साहब, शाओमी का मी 3 ही आएगा और उसी के साथ आ सकता है रेडमी का 7A, क्योंकि रेडमी 7 लॉन्च कर दिया इंडिया में, 7A लॉन्च नहीं किया, तो वो शायद मी 3 के साथ ही वो साइड में एज अ गिफ्ट नहीं देंगे पर लॉन्च कर देंगे चुपचाप से साइड के अंदर उसी के अंदर। फिर बात करते हैं तो भाई साहब रेडमी और रियलमी, फिर से रेडमी वर्सेस रियलमी फ्लैगशिप आने वाला है, पर रियलमी का फ्लैगशिप मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं आएगा इस महीने, पर चाइना में लॉन्च होने वाला है। रियलमी का फ्लैगशिप ज़रूर होगा, पर स्नैपड्रैगन 730 के साथ होता है या 855 के साथ होता है वो देखना होगा, क्योंकि रियलमी का अब तक का वो सबसे महंगा और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन होगा, इसके लिए वो उनको रियलमी का फ्लैगशिप एज अ नाम देंगे। और रेडमी का तो फ्लैगशिप आपको पता ही है आने वाला है स्नैपड्रैगन 855 के साथ। चाइना में रेडमी का फ्लैगशिप बोल सकते हो रेडमी का, पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर वो चाइना से बाहर वो फ़ोन आता है तो मेरे ख्याल से पोको F2 बन के आएगा। तो देखो भाई साहब क्या लॉन्च करते हैं, कैसे लॉन्च करते मई के महीने में, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सैमसंग भाई साहब गए मैंने धड़ाधड़ फ़ोन लॉन्च किए, ए सीरीज़ हो एम सीरीज़ हो, ये लो वो लो, अभी भी भाई साहब बीच में एक दो डाल देगा सैमसंग अपना, ताकि ऐसे मार्केट में उनका नाम रहे तो सैमसंग लॉन्च कर सकता है सैमसंग का M40 और सैमसंग साथ ही साथ लॉन्च कर सकता है सैमसंग का गैलेक्सी A80। ये भी मई के महीने के अंदर ही लॉन्च होने की उम्मीद है, अब कब लॉन्च होता है, या तो फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए मई के, नहीं तो सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर आपको देखने को पक्का मिल जाएगा सैमसंग का M40 और सैमसंग का A80। उसके बाद हम बात करते हैं तो भाई साहब पिक्सल, आजकल पिक्सल भी साल में एक नहीं 3-4 फ़ोन लॉन्च करने की तदार पर रहे, तो पिक्सल अपना लेके आएगा पिक्सल 3A 3A XL, जो कि एक मिड बजट का आपको पिक्सल फ़ोन देखने को मिलेगा, जिसका जो कैमरा वो एक मेन हाईलाइटिंग होगा जो आपके गूगल पिक्सल 3 XL में देखने को मिलता है, सेम कैमरा आपको 3A 3A XL के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई साहब इंडिया में 8 मई को लॉन्च होने की उम्मीद है, पर ग्लोबली 7 मई को लॉन्च हो जाएगा, तो सब चीज़ बाहर आ जाएगी और इंडिया में शायद तक उसी के अगले दिन वो लोग लॉन्च कर देवे, वो देखना होगा। उसके बाद भूल कैसे सकते हैं भाई साहब नोकिया को, नोकिया का 9 प्योर व्यू 2 महीने पहले लॉन्च हो गया पर अभी तक इंडिया में आया नहीं, तो इस महीने उम्मीद की जा रही है कि नोकिया का 9 प्योर व्यू आ जावे, पर मुझे तो नहीं लगता है, पर आ जाएगा तो ठीक है। और साथ ही साथ नोकिया का 8.1 प्लस, नोकिया का 8 प्लस का आपने ऐड देखा होगा यूट्यूब पे, तंग आ गए होंगे जिसका भी आप जिस भी टेक यूट्यूबर का आप वीडियो खोलते थे आपको नोकिया का ऐड देखने को मिलता था नोकिया 8 का, तो अब नोकिया 8.1 प्लस आने वाला है, तो देखते हैं नोकिया का 8.1 प्लस क्या कमाल करता है। गई बार तो नोकिया का 8.1 पीस गया था क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐड किए थे, अब की बार देखते शायद नोकिया का 8.1 प्लस थोड़ा अच्छे इंप्रूवमेंट हो, थोड़े कम प्राइस के साथ लॉन्च हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और भाई साहब ऐसी और वीडियोज़ के लिए कमेंट करो, और बस जब तक के लिए बाय।